देश में इन दिनों कोरोना मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा बीते 24 घंटों में शनिवार को आए नए मरीजों की संख्या से पता चलता है। भारत में कोविड 19 के 17,092 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 4,34,86,326 हो गई है। वही कोरोना वायरस का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 1,09,568 हो गई है, जबकि 29 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। वही 14,684 मरीजों की रिकवरी भी इस दौरान हुई है। बता दें कि कल यानी 1 जुलाई को कोविड केसेस के 17,070 नए मामले दर्ज किए गए थे। आज के आंकड़े कल की तुलना में 0.1% ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में केरल सबसे पहले स्थान पर है, क्योंकि यहां 3,904 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जहां कोरोना के 3,249 मामले सामने आए। तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मामलों वाले राज्य में तमिलनाडु का नाम शामिल है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,385 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,739 और कर्नाटक में 1,073 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में आए कोरोना के मामलों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.25% है। 22.84% केस सिर्फ केरल से सामने आए हैं। वहीं कोरोना से मौतों की बात करें तो पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 4 मौतें महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद दिल्ली में 3, पंजाब और केरल में 2-2 लोगों की जाने गई। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में 1-1 व्यक्ति कोरोना से लड़ाई हार गया। इसके अलावा 13 मौतें सिर्फ केरल में हुई हैं, जो रिकॉर्ड में अब चढ़ाई गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना पॉजिटिविटी की डेली दर 4.14% और वीकली दर 3.56% है। वहीं देश में अब तक कोविड 19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 197 करोड़ से भी ऊपर खुराक दी जा चुकी है। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार ने लोगों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन जारी रखें, साथ ही वैक्सीन और बूस्टर डोज भी समय से लगवाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।